हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर अबाउट फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में देखा था कैसे आप अपनी वर्डप्रेस साइट के अंदर पेज को कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, कैटेगरी को कैसे क्रिएट करेंगे, कैटेगरी में सब कैटेगरी को कैसे बनाएंगे, पेरेंट कैटेगरी कैसे बनाएंगे, नेविगेशन मेन्यू को कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, मेन्यू को कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। लेकिन पिछली वीडियो में हमने पोस्ट को पब्लिश नहीं किया था। इस वीडियो के अंदर हम पोस्ट को पब्लिश करना सीखेंगे, देखेंगे कि पोस्ट को अपनी साइट के ऊपर पब्लिश कैसे करते हैं। उसको जो भी हम पोस्ट पब्लिश करें अपनी साइट पर, कोई भी न्यूज़ वगैरह अगर हम डालें या कोई भी ब्लॉग आर्टिकल हम डालें, तो वो सबसे पहले हमें होम पेज पर शो होना चाहिए और उसके बाद हमने उसको जिस कैटेगरी में पोस्ट किया है उस कैटेगरी के अंदर वो ऑटोमेटिक ऐड हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स उस वीडियो में रह गए होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपके सभी के सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल को कैसे वर्डप्रेस के अंदर परफॉर्म करना है। तो चलिए चलते हैं इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस को ओपन किया हुआ, ये रहा मेरा डैशबोर्ड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको साइट पे विजिट करा देता हूँ और साइट आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ करके एक वेबसाइट यहाँ पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने पिछली बार जो है पेज और कैटेगरीज यहाँ पर हमने ऐड करी थी। आज हम इस वीडियो में यहीं पर जो है पोस्ट को ऐड करना सीखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट में पोस्ट को ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें पोस्ट को ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे पोस्ट पे जाना है और ऑल पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऑल पोस्ट के अंदर फ्रेंड्स आप सभी को आपकी साइट में जितनी भी पोस्टें हैं सभी पोस्टें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट आपको मिल जाती है, इसको चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, हालाँकि डिलीट कर देना। अब यहाँ पर देखिए हम पोस्ट को ऐड करते हैं तो ऐड न्यू पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो है वर्डप्रेस का एडिटर जो है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐड टाइटल पूछ रहा है और यहाँ पे चलिए देखते हैं पोस्ट को कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे वर्डपैड में एक यहाँ पे पहले से जो है एक पोस्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं वर्ड में से इस पोस्ट को, इस टाइटल को पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट करना है। तो टाइटल में जो हेडलाइन होती है आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको सब हेडलाइन वगैरह खुद बनानी है। मैं सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। एक इमेज को ऐड कर लेते हैं जो हम यहाँ पे पोस्ट में शो करेंगे। तो अपलोड करते अपने लोकल कंप्यूटर से ही, तो इस इमेज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो देखिए आपको यहाँ पर इमेज जो है ऐड हो जाएगी, प्रीव्यू आपको साथ साथ में शो भी होता रहेगा। अब आपको नीचे आना है, सबसे पहले आपको इमेज में कैप्शन ज़रूर डालना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कैप्शन का यूज़ ज़रूर कीजिएगा क्योंकि SEO में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये। आप चाहे जितना काम कर ले, जब तक आप ये सारे काम नहीं करेंगे आपकी न्यूज़ जो है जल्दी से रैंक नहीं होगी। तो अब यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वर्डप्रेस में जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। मैं आपको एक एक ऑप्शन जो है आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। लेकिन हम फिलहाल पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हमने जो यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ड्रॉप कैप, जैसे आप इसको इनेबल करते हैं तो फर्स्ट जो टेक्स्ट है वो इतना बड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारी साइटों पर। इसको बंद कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। आपको यहाँ पे जैसे आप टेक्स्ट वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग के टूल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप किसी का कलर चेंज करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट का, तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जैसे मैंने इसका कलर जो है चेंज करना है तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ से मैं कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है कलर भी चेंज हो जाएगा। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको सारे के सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अब क्या करना है आपको, सिंपली इस पोस्ट को जो है पब्लिश कर देना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ, आगे कैसे कैसे करना है वो देखिए। इसको जैसे मैं पब्लिश करता हूँ, पब्लिश हो गई है, अब चलते हैं अपनी साइट पर। तो साइट को हम यहाँ से देखते हैं और साइट पर हम आ जाते हैं। तो साइट पर आने के बाद इसको हम करते हैं रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जो हमने हेडलाइन वगैरह पोस्ट वगैरह डाली थी वो पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है।
तो जैसे कोई इस पर रीड मोर पे क्लिक करेगा तो उसके सामने जो है वो पेज जो है ओपन हो जाएगा जो हमने पोस्ट डाली थी। ये देखिए ये पेज जो है यहाँ पे शो हो गया, हमने ऊपर टाइटल जो डाला था टाइटल भी आ गया, फ़ोटो भी आ गई और नीचे जो भी हमारा कंटेंट है वो आराम से जो है पढ़ सकता है कि इस न्यूज़ में क्या है। तो चलिए वापस होम पे चलते हैं। तो होम पे देखिए हम आ गए, यहाँ पे सिर्फ हमें टेक्स्ट शो हो रहा है, फ़ोटोज़ वगैरह शो नहीं हो रही है। तो कैसे शो कराना है वो चीज़ देख लेते हैं। वापस हम चलते हैं एडिटर में और यहाँ पे जो है आपको देखिए एक फीचर्ड इमेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें जाना है और इमेज को सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना दोनों इमेज अलग अलग है फ्रेंड्स, सेम इमेज को ऐड मत कीजिएगा, ठीक है, बहुत बेकार लगता है इससे। यहाँ से आप उसी से रिलेटेड दूसरी इमेज को ऐड कर दीजिए, टेक्स्ट कैप्शन टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब जो है आपको डालना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, तभी आपकी न्यूज़ जो है रैंक करेगी, ये आपका जो भी आर्टिकल है तभी रैंक करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको कर दिया और यहाँ से जो है ये ऑटो सेविंग मोड में चला गया और इसको हम सेव कर देते हैं, पब्लिश कर दिया, अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ साइट पर जाके कि अब क्या दिखेगा आपको। तो चलिए देखिए पोस्ट अपडेट हो गई हमारी, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को थंबनेल टाइप का जो है शो हो रहा है, तो इसी को हम फीचर्ड इमेज बोलते हैं वर्डप्रेस की लैंग्वेज में। जैसे आपको यूट्यूब पे दिखता है, कोई भी आदमी आएगा देखेगा रीड मोड पे क्लिक करेगा और आपकी जो भी न्यूज़ है आर्टिकल है जो भी कुछ आपने ब्लॉग वगैरह में लिखा है वो जो है यहाँ पर पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये न्यूज़ उत्तर प्रदेश की लखनऊ की न्यूज़ है, मैंने जैसे ही लखनऊ पे क्लिक किया था लेकिन यहाँ पे तो एमपीटी शो हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है, तो वो चीज़ हम देखते हैं अब आपको कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक अनकैटेगराइज पे ही रहता है, आपको उसको अनचेक कर देना है यहाँ से। तो सबसे पहले ये न्यूज़ कहाँ की है, ये एक स्टेट की न्यूज़ है, ठीक है। स्टेट के बाद हमने ये न्यूज़ कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, तो उत्तर प्रदेश को चेक कर दिया, उत्तर प्रदेश में कहाँ की है, ये लखनऊ की न्यूज़ है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे टैग डाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश न्यूज़ लखनऊ लोकल न्यूज़, इस टाइप से भी आप टैग डाल सकते हैं और इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद मैं आपको पहले होम पे जाके दिखाता हूँ। देखिए होम पेज पे जो भी हम लेटेस्ट पोस्ट करेंगे वो सभी पोस्ट हमें यहाँ पे शो हो करेगी, ठीक है, सभी पोस्ट। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टेट में, फिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, तो देखिए यहाँ पे लखनऊ की न्यूज़ मेरे को शो कर रही है। आपने जितनी भी लखनऊ की न्यूज़ ऐड करी होगी उस दिन, जो भी आदमी आके विजिटर आके चेक करेगा उसको यहाँ पे सिर्फ लखनऊ की न्यूज़ देखने को मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे कि हम न्यूज़ को कैसे शॉर्ट करेंगे। अब अगर मैं जैसे स्टेट पे क्लिक कर दूंगा तो स्टेट में मुझे सभी स्टेट की न्यूज़ शो करेगी जितने भी मैंने ऐड करे हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश पे क्लिक करूंगा तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश की न्यूज़ शो करेगी। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप सब इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर नीचे आपको कैटेगरी भी शो कर रही है, आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करके जो है उस कैटेगरी की न्यूज़ जो है चेक कर सकते हैं। जैसे मैं लखनऊ पे क्लिक किया तो देखिए सभी लखनऊ की न्यूज़ मेरे को यहाँ पे शो होने लग जाएगी। तो देखा फ्रेंड्स आप सभी ने हमने किस तरीके से वेबसाइट के अंदर पोस्ट को पब्लिश किया, ठीक है, कैसे हमने वेबसाइट के अंदर पोस्ट को ऐड करी और उसे कैटेगरी के अंदर कैसे पब्लिश कराया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप सभी अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिश करा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने तो डायरेक्टली एक सैम्पल लेके आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा दिया, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ आपको कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी है। जैसे कि अगर आप अपनी साइट पे कोई भी पोस्ट कोई भी आर्टिकल अगर लिखते हैं या डालते हैं तो आपको कभी भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपनी साइट पे अगर आपने एडसेंस वगैरह इनेबल कर रखा है तो कल होके आपका एडसेंस भी सस्पेंड हो सकता है, जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं अपनी साइट से वो आपकी ख़त्म हो सकती है। तो इन सब बातों का जो है फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है। कोई भी पोस्ट अगर आप करते हैं तो वो आपकी अपनी और खुद का लिखा हुआ होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप खुद से लिखना नहीं जानते तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को पैसे देके वो आर्टिकल लिखवा के भी पब्लिश कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं से इमेज सोर्स वगैरह लेते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे उसके कैप्शन में आप उस साइट का नाम जो है ज़रूर दीजिए, ठीक है, इतना मैं आपको बोलूँगा। इन सब कुछ बातों का जो है आप ध्यान रखिए। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको टाइम के साथ साथ आपको ये सारी बातें से अवेयर भी कराता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।